नहीं होता है सर, कौन सा? हाँ बोलो, खत्म हो गया। मैं बोला था कि 11-15 को मैच खत्म होता है। हाँ तो होता तो आ जाना चाहिए था ना। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हमारा जो डिराइव्ड लिपिड्स है थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करेंगे। डिराइव्ड लिपिड्स कंटिन्यू है कि नहीं? तो अब डिराइव्ड लिपिड्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोलिए। व्हाट विल बी स्टडी? तो इसमें हम लोग अलग अलग और चीज पढ़ेंगे, जैसे आपका टर्पीन। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट टर्पीन, आइकोसानॉइड्स, इस तरह से बहुत चीज है। एक्चुअली आप लोग थोड़ा जेजेस का वीडियो ज्यादा देखते हो। ए, तुम लोग तो प्राइम 40, तुम लोग प्राइम 40 वाले हो ना, तो तुम लोग का तो आज फर्स्ट क्लास है रे बाबा। तुम लोग का ये डिराइव्ड लिपिड्स थोड़ी होगा, तो तुम लोग का कहाँ चल रहा था? कॉन्जुगेट स्टार्ट होगा सर। हाँ, वैक्सेस खत्म हुआ, आज कॉन्जुगेट शुरू होगा। तो बस बस मुझे इसलिए तुम लोग को तो कम पढ़ाना है ना, उन लोग को थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाता है क्योंकि वो लोग ज्यादा वीडियो देखते हैं। चलो, तो कॉन्जुगेट लिपिड्स या तुम लोग को एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, बस थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा, या कंपाउंड लिपिड्स। बस देखो फिर तुम लोग का 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूंगा बताओ। तो इसीलिए आप चाहें तो हॉलीडेज में एक्स्ट्रा क्लास रखने से हम आ जाएंगे। मैं क्यों चाहूंगा बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चाहने का कारण क्या है? कुछ तो नहीं है, तो हम थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे तो अब तो उसे मेरा क्या लाभ। चलिए, तो इसलिए बिकॉज यू नो वी आर नॉट योर ऑफिशियल टीचर, तो अब आ जाइए। तो व्हाट आर कॉन्जुगेट लिपिड्स? दीज आर लिपिड्स। भाई जितना टाइम देंगे मैं उतना का, जितना मेरे को टाइम देंगे उतना का मैं पढ़ा दूंगा। अब आपका बार बार छुट्टी हो रहा है, आप देखोगे इस साल जितना भी छुट्टी हुआ है तुम्हारे ही क्लास में है। जब F1 में 80 वीडियो लोडेड है जबकि तुम्हारा अराउंड 60 लोडेड है, तो इसका मतलब क्लास भी उतना कम हुआ है कि नहीं? चलिए, सो दीज लिपिड्स, बिकॉज इस साल ये वाला क्लास आपका लिपिड्स का था, तो अब इन्होंने कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। अगले हफ्ते हम लोग फिर अमीनो एसिड्स में चले जाएंगे, तो आप F1 के वीडियो से देख लेना। चलिए, सो दीज आर लिपिड्स विच हैव लिपिड्स प्लस सम अदर ग्रुप्स, है ना, बम सम अदर ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें लिपिड के साथ साथ कुछ अदर ग्रुप्स भी होगा। ओके, तो इसमें जो पहला कैटेगरी है, तो कॉन्जुगेट लिपिड हमारा कौन सा था? तो कॉन्जुगेट लिपिड आपका बी हेडिंग है, तो बी हेडिंग का ये पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बी का फर्स्ट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स बी डॉट वन, इसीलिए फॉस्फो लिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। इसको हम लोग ऑफिशियली PL बोलेंगे, शॉर्टकट। इसका जो ऑफिशियल शॉर्टकट है वो PL है, फाइन, फॉस्फोलिपिड्स। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? दीज आर लिपिड्स विच ऑल्सो हैव ए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सो दीज आर लिपिड्स विच ऑल्सो हैव एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। तुम लोग का आधा बच्चा क्लास भी नहीं करता और वीडियोस भी नहीं देखते हैं, समझे भूमिका? आज देवराज आया है कि नहीं? देवराज वो नहीं है शायद, तो इसीलिए
ये लोग क्यों नहीं कर रहे, हमको बायोकेमिस्ट्री आधा समझ में नहीं आ रहा है, या ये लोग होमवर्क कर नहीं रहे हैं, फिर बाद में आनंद लेंगे। एंड अगर बायोकेमिस्ट्री नहीं हुआ ना तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा बायोलॉजी में, ये याद रखना। सो दीज आर लिपिड्स विच ऑल्सो हैव एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग कैसे लिखते हैं, H3PO4, समझ में। तो इसमें आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो उसका कंपोजिशन क्या होगा, तो द कंपोजिशन इज, तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो उसमें लिखेंगे हम लोग टू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू फॉस्फाटिडिक एसिड, ठीक है। इसको फॉस्फाटिडिक बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड बट नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। In living organisms, some or the other. In living organisms, some or the other. क्या बोलिए? In living organisms, some or the other special groups are found. ठीक है? तो कोई ना कोई स्पेशल ग्रुप आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है जी। तो इसीलिए अब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। ना इसमें बॉन्डिंग हम लोग देख लेंगे एक्चुअली, इसका जो बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक अलग बॉन्ड आएगा, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड विल कम हियर। तो अब हम लोग लिखेंगे, सपोज R1COOH, R2COOH plus, ग्लिसरॉल लेंगे हम लोग, लॉक करने बोल रहे हैं सब लोग। तो ये लोग क्या है, ये आपका OH है, फाइन, प्लस इसके बाद क्या हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड। उनको मजे लेने दो ना, एक दिन मजा लेने से अच्छा है भाई। आपको लिंक में 2 घंटे पहले से भेज चुका हूँ, आपको इसमें आईडी पासवर्ड करना ही नहीं होता, आपको तो सिर्फ लिंक क्लिक करना होता है, उसके बाद भी आप नहीं ज्वाइन करेंगे। तो भाई आप जानते हो कि नहीं, आप तो देखे होंगे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, बीच में आना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि वो घुस रहा होता है। तो अब तो हम 1 घंटा में पार्ट पढ़ेंगे ना, जिंदगी भर तुम लोग को बस ऐड डिलीट करता रहूंगा। तो ये स्पेशल ग्रुप है, ये आपका क्या हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको हम लोग PI बोलेंगे। ये क्या है, ग्लोसरॉल, एंड ये क्या है, वो लोग उधर पढ़ लेंगे जो आलू कालू क्लासेस में, फैटी एसिड। अब सबसे मजेदार काम बायो में क्या होता है बोलिए, पानी हटाओ। ये एक हटा, ये दूसरा हटा, फाइन, ये इसको ऊपर बना लिए ना। तो इधर से क्या होगा, इधर से हम ये पानी हटाएंगे, एंड इधर से हम क्या करेंगे, ये पानी हटाएंगे। तो टोटल कितना पानी हट रहा है, 4। अगर फॉस्फाटिडिक एसिड होगा तो 3 वाटर, ओके। अगर
टोटल फॉस्फोलिपिड होगा तो फोर वाटर, तो ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, तो उसको हम लिखेंगे CH2, CH, CH2, O। ये ग्लोसरोल हो गया, ग्लोसरोल। अब ये हो गया R1 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया R2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, फाइन। और इधर क्या होगा, फाइन। तो ये आपका स्पेशल ग्रुप हो गया। तो ये आपका बायोलॉजिकल फॉस्फोलिपिड है। सो दिस इज फॉस्फोलिपिड, इसको हम लिखेंगे फॉस्फाटिडिक एसिड प्लस जेड। तो बुक्स में एक्स लिखा होता है, तो कोई मर्जी आप ले सकते हो। आप इसमें आप देखो, इसमें आपका एक क्या होगा, ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, ये हेड है। एंड ये जो पार्ट है ये क्या है, टेल। फाइन, पाया मजा। तो आप इसके बारे में बोलिए क्या है ये। सो दिस इज, दीज आर योर नॉन पोलर टेल, ठीक है। तो ये आपका नॉन पोलर टेल्स है। नाउ हाइड्रो क्या, फोबिक, हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक, ओके, हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक, और क्या बोलेंगे, वेरिएबल, ओके। तो ये एक वेरिएबल चेन होता है, क्यों, इसमें कोई मर्जी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल। नाउ आप इधर आ जाएंगे, ये क्या है, दिस इज हेड कॉमा पोलर हाइड्रोफिलिक लिपोफोबिक कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होता है, बट जेड या एक्स ग्रुप इज वेरिएबल। तो जेड एक्स अलग हो सकता है, उसके अलावा सब कांस्टेंट होता है। अब आप देखो, आप जब बुक्स में देखे होंगे, आपको एक ऐसा फोटो बना के दिखाया होगा, ओके। अगर आप सेल मेम्ब्रेन देखे होंगे, कुछ ऐसा फोटो आपको दिखाया होगा, है कि नहीं, आपको ऐसा फोटो दिखाया कि नहीं। तो उसमें ये क्या है, ये दिस पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड क्या, दिस इज द टेल पार्ट, टेल पार्ट। तो ये ऐसा ड्राइंग आप कहाँ देखे हो, बताओ सर। सिंगर निकोलसन मॉडल, यस, नहीं, एनी मॉडल में आपको मिल जाएगा। अब गुस्सा मत हो, अब ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, ओके। चलिए, तो इसीलिए बस इतना ही आपको बताया जाएगा। आओ इधर, किसी को आपको क्या लग रहा है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं प्रत्याशा, आपको पनिश करके? नो सर, हम तो वीडियो ऑन किए हैं। नहीं, आपको पनिश क्यों नहीं किया जाए, आप बताओ।
आप लोग वीडियोस वीडियोस भी आप लोग देखते नहीं हो सर? अभी देख रहे हैं सर, मैं देखती हूँ सर, अभी तो देख भी रहे हैं सब सर। कमेंट करना जरूरी है ऑब्वियसली, नहीं तो फायदा क्या है? कुछ तो कमेंट कर सकते हो, आप बेकार पढ़ाते हो, आप बकवास पढ़ाते हो, आप अच्छा पढ़ाते हो, तो क्या आपको अच्छा लगा? अभी से याद रहेगा ये बात, आगे से हम हर बात कमेंट सर आगे से कमेंट और क्या कमेंट लाइक आइदर आप लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे या हार्ट दोगे, ऐसे करना चाहिए ना सर। लाइक हर वीडियो करते हैं सर, लाइक कर देते हैं सर, देखने से पहले ही कर देते हैं सर लाइक। सुनो, जिसने कमेंट नहीं दिया होता ना, लाइक का कोई मेजरमेंट नहीं होता है सर। मैं हर वीडियो में कमेंट करती हूँ। नहीं, जो करते को एक चीज याद रखो, एक समय आएगा आपके लाइफ में जब आपको स्पेशल मदद मिलेगा जेजेएस का, एंड वो सिर्फ उसी को मिलेगा जो स्पेशल हो। समझाया? तो ये याद रखेंगे, क्योंकि एक चीज आपको पता होगा कि इफ यू हैव सीन द रिजल्ट्स, ओके, अभी तक और किसी भी स्कूल का रिजल्ट नहीं आया है, देखे हो कि नहीं आप लोग, तो इसका मतलब है कुछ बात तो है ना जेजेस में। तो इसीलिए आप लोग अगर चाहोगे तो जेजेस का एफर्ट आपको मदद नहीं मिलेगा। ओके, एक सेकेंड, चलिए, वो भूमिका दीदी ने फोन किया था, भूमिका दास, यू नो हर, भूमिका दीदी को जानते हो? यस सर, यस सर, तुमो कैरेक्टर का पिक्चर है, तुमो लव स्टोरी, तुमो लव स्टोरी, यस। तो शी वाज अ जेजे स्टूडेंट, बट वो बीच में डिसकंटिन्यू की थी उसका जो फिल्म के चक्कर में, बट नाउ शी वांट्स टू रिजॉइन फॉर नीट, because there is no need without JJS. And I have already told you na that two of our students have joined. Ne, tum log ko shayad bola nahi hai. Two of our students have already joined IISc Bangalore. Okay? Ek tumhare batch ka senior hai, Jyotirmay bhai, and ek hai Abhilasha Didi from F1. Chaliye. So, ab ye aapka jo dekh rahe ho, maine aapko alag-alag color kar diya. Yellow stands for fatty acid, green for glycerol, and the blue is for what? Phosphate. Blue phosphate hai, and jo red hai wo special group hai. And red mein kya hai, wo yahan aapko dikhaya gaya hai. So these are all reds. So ye sare red groups hai. Okay? So kaun sa kya hone se kya hoga? So agar sirf H laga doge idhar, to phosphatidic acid hoga. वो तो हमने बोला ही था, है कि नहीं? If you put only H, तो ये there is no X, तो ये phosphatidic acid है, ये simplest है। अगर उसमें ethanolamine जोड़ोगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? Phosphatidyl ethanolamine, okay? अगर choline जोड़ोगे, तो वो बन जाएगा phosphatidyl choline, जिसका common name है Lecithin. यह है phosphatidyl serine, इसका नाम क्या है? यह है cephaline. तो इसका जो common name है क्या? Cephaline. मैं बता दूंगा अभी. एक्चुअली क्या है, तुम लोग को ज्यादा बताना भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए. तो यह है cephaline. Fine. तो दीज आर सेफलिन। चलिए, तो ये आपका सेफलिन है। अब ये फॉस्फेटिल इनोसिटॉल है, ये फॉस्फेटिल ग्लिसरॉल है, ये कार्डियोलिपिन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
बट ये आप लोग को मैं कभी समझा ही नहीं पाऊंगा, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास. सो दिस इज द यूनिक फॉस्फोलिपिड फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ऑल्सो फाउंड इन हार्ट सेल्स. ठीक है, तो ये आपका एक कार्डियोलिपिन है. ओके चलिए, तो ये आपके फॉस्फोलिपिड्स है, इसका फोटो खींच लिया जाए एंड आपको नहीं भेजा जाए. तो अब आपको इसके बारे में कुछ लिख लेंगे हम लोग. तो इसीलिए तो आप एग्जांपल्स में हम लोग पढ़ेंगे तो फॉस्फाटिडिक एसिड प्लस कोलीन, ये इकलौता आपके सिलेबस में दिया हुआ है. दिस इज फॉस्फाटिडिल कोलीन एंड इसका कॉमन नेम है लेसिथिन. तो लेसिथिन के बारे में हम क्या जानते हैं, फाउंड इन, क्या बोले थे मैं, याद करो टैक्सोनॉमी, फाउंड इन एग्यो. इसलिए प्लाज्मा का क्लासिफिकेशन क्या होता है, लेसिथल, ए लेसिथल, माइक्रो लेसिथल, मेगा लेसिथल, सेंट्रो लेसिथल, टेलो लेसिथल. तो व्हाई सो मेनी लेसिथल, बिकॉज ऑफ लेसिथिन. अंडरस्टूड नाउ? यस सर. तो ओके, सो फाउंड इन एग योक. नाउ इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन सर्फेक्टेंट ऑफ लंग्स. ओके, सर्फेक्टेंट ऑफ लंग्स कॉमा सेल मेम्ब्रेन एटसेट्रा. तो सर्फेक्टेंट क्या आप जानते ही होंगे, आप टेंथ में पढ़े होंगे उसके बारे में. चलिए उसके बाद तो हम इतना को कॉपी कर देंगे एंड फिर पेस्ट कर देंगे. इधर हम लगाएंगे एमिनो इथानॉल, या इसको इथानोलामाइन भी बोल सकते हो. तो इधर आ जाएगा बस एमिनो इथानॉल. ओके, तो इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फेटिडिल एमिनो इथानॉल. उसका आ जाएगा सेफालिन. सेफालिन, तो यह है सेफालिन. व्हाट इज सेफालिन, फाउंड इन ब्रेन सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो फाउंड इन ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन सेल्स. ठीक है जी, तो यह आपका है आपका फॉस्फेटिडिक एसिड. ठीक है जी, तापरे थर्ड पॉइंट जो है उसमें अगर हम लगा देंगे सेरीन एमिनो एसिड. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेरीन. तो ये क्या हो जाएगा, सेम सेफालिन. ठीक है, तो एक्चुअली सेफालिन कॉमन है, प्लस कॉमन नेम तो कॉमन ही होगा ना, तो ये कॉमन है, दैट इज कॉल्ड सेफालिन. ठीक है जी, तो ये आपका हो गया सम एग्जांपल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. ओके, तो इतना ही आपको बताएंगे, अब ज्यादा तो टाइम है नहीं आपका. तो देखो तो अभी वार्निंग भी आ गया, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, बी. ये हम लोग का हेडिंग क्या दिए थे, ए ना बी, बी वन, बी दिए थे, बी दिए, बी वन. अब हम लोग पढ़ेंगे बी B2. तो ये क्या हो जाएगा B2, बिकॉज तुम लोग आज ही, तुम लोग आज जितना लिपिड होगा उतना ही लिपिड खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग को थोड़ा भगाना पड़ेगा क्योंकि और आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, उन लोग का तीन क्लास आपका एक क्लास, क्योंकि अब तुम समय नहीं दोगे तो जेजेएस क्या करेगा बेचारा. सर उनका तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह कल ड्रॉप देंगे तो हम अवेलेबल हैं सर. हाँ तो कल तो तुम्हारा छुट्टी है ना, मैं कहाँ से कर दूंगा,
फिर मुझे मारेगी सदा. सो दीज आर लिपिड्स दैट आर फाउंड. ओके दीज आर लिपिड्स दैट हैव क्या दैट हैव ए कार्बोहाइड्रेट पार्ट. That have a carbohydrate part. Okay, so these are lipids that have a carbohydrate part. ठीक है, so इसीलिए उसका composition क्या हो जाएगा. So composition. कहीं ना तुम्हारा officially जितने समय मिलेगा सेतिकरा पाठ पढ़ाएगा. अगर lipid के लिए हमें 20 घंटा देंगे तो उतना पढ़ोगे, आधा घंटा देंगे तो उतना पढ़ोगे. मैं अपना पेट से लाके थोड़ी तुमको दे दूंगा. टू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट. इसलिए तो मैंने आपको मदद करने के लिए वीडियो ऑन रखा है, नहीं तो मैं अपना वीडियो सब ऑफ कर देता ना. तो आपको क्यों ऑन किया था कि आप खुद से पढ़ पाए. प्लस आपका आपका फेवरेट टीचर आपके पास ऑलवेज है कालू. नो सर वो नहीं है. तो आप क्यों, आपको लिंक दे दिया है, अभी हार्ड कॉपी भी आ गया है. चलिए तो आपका टू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस ग्लाइकोलिपिड्स. तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या क्या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट में. इट मे बी मोनोसैक्स टू ओलिगोसैक्स. ओके कभी पॉलीसैकेराइड नहीं अटैच होगा. ओके क्योंकि अगर पॉलीसेक्राइड अटैच होगा तो मॉलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा हो जाएगा, तो वो लिपोपॉलीसेक्राइड हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं. क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेट में जिसका नाम जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसी का नाम पीछे होगा, दैट इज द मेजर ग्रुप. ओके तो लिपोपॉलीसेक्राइड इज बेसिकली ए कार्बोहाइड्रेट नॉट ए लिपिड. फाइन तो अगेन उसी तरह से हम इसका फोटो बना देंगे. सो आर वन सी ओ एच आर टू सी ओ एच प्लस ये है ग्लिसरॉल. एंड प्लस इधर हम लगा देंगे क्या ए अल्कोहल. ए क्या कार्बोहाइड्रेट. सपोज हमने लगाया ये क्या है बताओ. गैलेक्टोज. गैलेक्टोज आप पानी निकालेंगे जो कि हमारा सबसे लव यू काम है. तो रिमूव वाटर. एक निकाल दिया, दो निकाल दिया. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितना निकलेगा, क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन भी होता है. नीट में तो नहीं आएगा, वो नीट में अच्छा क्वेश्चन कुछ आता नहीं है. ये आएगा ओलंपियाड ओलंपियाड. तो इसमें नीट में जो क्वेश्चन आता है दसवीं क्लास के बच्चे के लिए आता है. जो जेजेस का टेंथ स्टूडेंट है ना वो नीट क्वालिफाई कर जाएगा आराम से. चलिए तो वो कोई वो नीट का क्वेश्चन एक क्वेश्चन है और अश्रफा एक चढ़ाई है. चलिए तो ये आर वन सी डबल बॉन्ड ओ. अरे यार ऊपर से लग गया. देख रहा कैसे उड़ जाता है, अपना डरा देता है मेरे को. तो इसको थोड़ा नीचे करेंगे, एक्चुअली वो डबल बॉन्ड ओ ऊपर लेंगे तो. ओके ये आर वन सी डबल बॉन्ड हो, आर टू सी डबल बॉन्ड हो. अब इधर हम लेंगे ओ सी एच टू सी एच टू. ओके अब इसमें क्या होगा, नीचे ओ एंड दिस इज योर रिंग. फाइन ये ऊपर ले लो या अल्फा ले लो,
इसको हम अल्फा ले लेते हैं क्योंकि हमने अल्फा लिया है. एक्चुअली इसको बीटा ले लो क्योंकि ना ब्रेन में चलो रैम टाइम हटाए तो ये अल्फा ले लो. फाइन, तो ये क्या हो गया, दिस इज योर गैलेक्टोलिपिड्स. ठीक है, तो अब इसके लिए जो सबसे फेवरेट काम हम क्या करेंगे, बॉन्ड दिखाएंगे. तो ये बॉन्ड है क्या, ये है ईस्टर. फाइन, एंड ये अलग बॉन्ड है, इसको हम इसमें अलग दिखाएंगे. तो ये कौन सा बॉन्ड है बताओ. ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. यस, ये तुमको किसने बताया बताओ. जेजेस ने. किस क्लास में बताया बताओ. F1. अहले, अब तुम लोग वो वीडियो देखते नहीं हो, तुम्हारा दोस्त लोग को कुछ सिखाओ तो इसलिए अगर थोड़ा देख लोगे तो भला होगा, है कि नहीं. सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, तो ओ मींस ऑक्सीजन, एक्चुअली वो ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. ठीक है, एंड इस कंपाउंड का नाम क्या है बताओ. मोनो गैलेक्टोसिल डाइएसाइल ग्लिसरॉल. ओके, दिस इज मोनो गैलेक्टोसिल डाइएसाइल ग्लिसरॉल. इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको स्फिंगोलिपिड नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि टाइम नहीं है और आपका सिलेबस में भी नहीं है, तो अगर टाइम होता तो मैं बता देता. तो ये आपका MGDAG है, दैट इज कॉल्ड मोनोगैलेक्टोसिल डाइएसाइल ग्लिसरॉल. ठीक है, तो ये आपका हो गया. उसी तरह से आपका एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे. तो आप अगेन टू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल प्लस गैलेक्टोज. ओके, इसमें बॉन्ड बना देंगे एक और गैलेक्टोज, तो ये क्या बन जाएगा, डाई गैलेक्टोसिल डाइएसाइल ग्लिसरॉल. ओके, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में डाई GDAG बोलते हैं. तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल आपको याद ही होगा, ये डाइग्लिसराइड है. ठीक है, नाउ इसमें मैंने ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि ये सिंपल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है. देख रहे हो, टाइम खत्म हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. बाकी सारे तो आपको बॉन्ड ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, सो ये आपका एक नॉर्मल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है. तो ये आपका फिनिश हो गया क्या, आपका ग्लाइकोलिपिड. स्विंगो तो आपको बताना नहीं है, तो वी विल डिस्कस. हाँ, डाउट पूछिए.